उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग में खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐसे कार्यक्रम सहायक सिद्ध होते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी चक्षुष्पति अवस्थी ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राकेश परोडिया ने किया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अस्मिन् संस्कृत प्रतियोगितायाः उपस्थिता सम्मानिता खंड संस्कृतस्य श्री गोविंद दानू महाभाग तथा विद्यालयस्य दानाचार्य श्री पंकज कोहली महाभाग च अहम् वंदनं करोमि तथा च समस्त शिक्षणानां छात्राणां विद्यालय परिवाराणां अस्य सफल आयोजनार्थं अहं तं वंदनं करोमि। जयतु भारतं जयतु संस्कृति जयतु संस्कृति। जयते दान सिंह भिंगा जी राजकीय इंटर कॉलेज समूह में संस्कृत अकेडमी के माध्यम से विकास खंड स्तरीय विद्यालय के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। वास्तव में हमारे जो बीओ साहब ने कहा कि संस्कृत हमारी क्या है, देववाणी है। देववाणी के उद्देश्य इसको संस्कृत संरक्षित करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है और उत्तराखंड राज्य की द्वितीय भाषा को इसको बनाया माना गया है, तो निश्चित तौर पर इसको बढ़ाना है और संस्कृत के सनातन धर्म को ही हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और स्कूलों में माध्यम से बहुत अच्छा लगा, 10 विद्यालयों ने इसमें प्रतिभाग किया और 10 के 10 विद्यालयों ने आपका नाटक है, भाषण है और उसके अलावा समूह गान है, सब संस्कृत में किया, ये बहुत अच्छा लगा। और संचालन राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग के हमारे गुंजन वर्मा ने किया और सारा संस्कृत भाषा में किया, वास्तव में संस्कृत को प्रमोट करें तो बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं पूरा शिक्षा विभाग के अपने बीओ छत्रपति जी सहित अपने प्रधानाचार्य श्री पंकज कोहली जी सहित पूरी सांस्कृतिक टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम लगातार हमारे करेंगे, निश्चित तौर पर संस्कृत को संरक्षण मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारे बच्चों को उसमें जागरूकता कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश में निश्चित फलित पूरी होगा संस्कृत निश्चित तौर पर। उन सभी लोगों का आभार बहुत बहुत बधाई बहुत। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।